चंडीगढ़ में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 70वें चैप्टर की शुरुआत हुई। इस संस्था का उद्देश्य जैन समुदाय के लोगों को परस्पर सहयोग से आगे बढ़ाना और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है। जीतो के नॉर्थ जोन के वाइस चेयरमैन रमन जैन, अपनी टीम के अन्य सदस्य कन्वीनर मेंबरशिप एंड चैप्टर डेवलपमेंट संजय जैन व कोषाध्यक्ष शैलेश जैन के साथ कई दिनों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चंडीगढ़ में डेरा डाले हुए थे। इनके अलावा अन्य सदस्य जिनमें जीतो के नॉर्थ जोन के चेयरमैन बजरंग बोथरा, डायरेक्टर जीतो अपेक्स तरुण जैन, लेडीज विंग की कन्वीनर सोनाली जैन, को कन्वीनर पारुल सुराना, चीफ सेक्रेटरी मनीष जैन, ज्वाइंट सेक्रेटरी विकास जैन, चेयरमैन लुधियाना चैप्टर जीतो राजीव जैन, चीफ सेक्रेटरी लुधियाना चैप्टर जीतो पवन जैन ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। इस संबंध में अर्थ प्रकाश के विशेष संवाददाता साजन शर्मा व कैमरामैन खुशविंदर धालीवाल ने जीतो नॉर्थ जोन टीम के चेयरमैन बजरंग बोथरा के साथ बातचीत की। अर्थ प्रकाश के दर्शकों का स्वागत है। हम जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 70वें चैप्टर की लॉन्चिंग के मौके पर आज यहाँ नॉर्थ जोन के प्रेसिडेंट बजरंग बोथरा जी से बात करने के लिए आए हैं। आइए जानते हैं कि जीतो के क्या क्या उद्देश्य हैं और किस उद्देश्य से ये संस्था बनाई गई है, किस तरह से जैन समुदाय के लोगों को ये हेल्प कर रही है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए बजरंग जी। जय जिनेन्द्र सब दर्शकों को, और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जीतो जो संस्था है आज एक विश्वव्यापी संस्था है और इसके आज इंडिया के अंदर 69 चैप्टर्स हैं। उसके अलावा 26 चैप्टर्स जो हमारे हैं विदेश के अंदर हैं। हमारे 16,000 एक मेंबर हैं इसके अंदर, और ये पूरा जो इंडिया का जीतो है वो नॉर्थ जोन में डिवाइडेड है। मैं बजरंग बोथरा नॉर्थ जोन चेयरमैन हूँ, और इसका जो जीतो का उद्देश्य जो है सबको जैन समाज को जोड़ना है और उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, शिक्षा के लिए और सेवा के लिए संस्था बनी है। जो कैसे हम जैन समाज के लिए आपस के अंदर जुड़ के एक दूसरे का फायदा कर सकें, भला कर सकें, आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से भी, और एजुकेशन कैसे उनको बढ़ा सकते हैं और सेवा कैसे दे सकते हैं। कौन कौन से वर्टिकल्स हैं जो कि अलग अलग तरीके से जो है जैन समाज को जो है लाभ पहुंचा रहे हैं? देखिए, इसके जो प्राइम वर्टिकल्स हैं, जैसे एक तो जीतो हो गया जिसके मैंने संस्था बताई, जीतो के अंदर भी कई वर्टिकल्स मैं बताऊंगा आपको। इसके अलावा एक JTF है, जीतो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग फाउंडेशन, जो एजुकेशन में काफ़ी काम कर रहा है, जो सिविल सर्विसेज के अंदर लोग जो तैयार होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए काम कर रहा है। उसके भी हमारे 4 या 5 हॉस्टल्स हैं इंडिया के अंदर। इसके अलावा एक संस्था है जीप, जीतो एजुकेशनल ट्रेनिंग, ये एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम लोग जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे एजुकेशन जाना चाहते हैं और आर्थिक रूप से जिनकी सक्षमता नहीं है, उनको हम पूरी सेवा दे रहे हैं, उनको पूरी हेल्प कर रहे हैं ताकि वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकें। इसके अलावा श्रमण आरोग्यम एक संस्था है, और श्रमण आरोग्यम के अंदर आज जितने हमारे साधु भगवंत हैं इंडिया वाइड, उन सबको हम लोग फ्री हॉस्पिटैलिटी और फ्री एजुकेशन दे रहे हैं उसको। जीतो के अंदर जो संस्थाएं उसमें हम लोग मैट्रिमोनी में काम कर रहे हैं, जॉब्स के लिए काम कर रहे हैं, आपस में कनेक्शन के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, और जीतो का बिजनेस नेटवर्क एक बना हुआ है, JBN बना हुआ है। JBN के मार्फत से हम लोग उनका बिजनेस कैसे बढ़ सकता है। एक जिफ एक संस्था है, जीतो इन्वेस्टमेंट इनक्यूबेशन फाउंडेशन, उसके मार्फत हम जो एस्पायरिंग स्टार्टअप्स है उनको कैसे हम लोग एक सीड फंडिंग करा के उनको आगे बढ़ा सकते हैं। जीतो का प्रकल्प कब शुरू किया गया था और इससे अभी तक कितने लाभार्थी जो हैं जैन समाज के हो पाए हैं? देखिए, बताइए, 2008 के अंदर जीतो शुरू हुआ था, शुरुआत छोटी हुई थी, लेकिन अब एक व्यापक संस्था बन गई है। एक इट्स ए 4-स्टोरी कन्वेंट, इट्स ए एस्पिरेशनल संस्था जो हर आदमी चाहता है इसके साथ जुड़ना, बिकॉज एक रियल मायने के अंदर निस्वार्थ इसमें काम किया जा रहा है। जो आर्थिक रूप से सक्षम है वो सेवा दे रहे हैं, वो अर्थ दे रहे हैं, और जिनको जरूरत है उनको मिल रहा है। तो 2008 से लेकर आज 19 साल हो गए, 2000 आज देखिए 16 साल हो गए, 16 साल से संस्था दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो आगे और इसको बढ़ाने के लिए और किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, और मतलब प्रकल्प आगे सामने आए इसके, क्योंकि जैन कम्युनिटी के लिए एक बड़ी अच्छी पहल लगता है ये की जा रही है। देखिए, जहाँ तक मैं नॉर्थ जोन की बात करूँ, नॉर्थ जोन के पहले हमारे 7 चैप्टर्स थे, ना 3 दिल्ली में हैं, फरीदाबाद में, गुड़गांव के अंदर, लुधियाना के अंदर, नोएडा के अंदर है, और अब हम यहाँ पर आज चंडीगढ़ के अंदर एक शुरुआत कर रहे हैं।
चंडीगढ़ के अंदर भी जो जैन समुदाय है उसमें बड़ा जबरदस्त एक एक्साइटमेंट है इससे जुड़ने के लिए। और कल हम लोग अम्बाला में थे तो अम्बाला के अंदर भी बड़ा एक्साइटमेंट है और यहाँ पर भी आज एक प्री इंस्टॉलेशन हो रही है आज जीटो चंडीगढ़ चैप्टर के लिए और 27 तारीख को हम लोग फॉर्मल इंस्टॉलेशन करेंगे यहाँ पर। और ऐसे अम्बाला के अंदर भी इंस्टॉलेशन होना है, वैसे ही पटियाला, राजपुरा, यहाँ सबसे भी जबरदस्त रिस्पॉन्स आया है। शैक्षणिक तौर पर, आर्थिक तौर पर तो आपने ये जीतो का गठन कर लिया और एक समुदाय की मदद की जा रही है, लेकिन राजनीतिक तौर पर जो है जैन समुदाय अभी कहाँ खड़ा है और अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाने की और जो एक कदम कई फोरम्स के ऊपर मेरा ख्याल ये आपकी मांग भी रही है, तो किस तरह से ये राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ रहा है? देखिए, हम लोग है ना एक संस्था जो है, हम लोग आपस में एक दूसरे का कैसे उत्थान कैसे कर सकते हैं, और राजनीति जो है वो राजनीतिक लोगों का काम है, राजनीति करना राजनीतिक लोगों का काम है। हम लोग तो ये चाहते हैं कि हमारा समाज जो है कैसे आगे बढ़े और हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने जो अपना जो हमारी क्षमता है, जो अर्थव्यवस्था हमारे पास में है, उसके हिसाब से हम देश का उत्थान कैसे कर सकते हैं, हम देश इकोनॉमी आगे बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं। और देखिए, अगर शिक्षा अच्छी होगी, शिक्षा के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो हम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, आज के जो फ्यूचर हमारी जनरेशन उसका निर्माण कर रहे हैं। आज हम अगर स्टार्टअप जो अगर है, जो एस्पिरेशनल बच्चे हैं, जो अच्छा काम कर सकते हैं, जिनके पास आइडियाज है, उनको हम अर्थव्यवस्था पहुंचा रहे हैं, उनके अर्थव्यवस्था में हेल्प कर रहे हैं ताकि वो उनको सीड फंडिंग मिल सके, आगे कर सकें। तो हम लोग एक तरफ तो हम एक भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, प्लस जो ऑलरेडी जो एजुकेशन प्राप्त कर चुके हैं वो आगे कैसे बढ़ें, उनको शिक्षा के मार्फत, जो उनको एक अर्थ की मार्फत उनको नेटवर्क कैसे दिया जाए, वो हम काम कर रहे हैं। और राजनीतिक लोगों का काम तो राजनीति करने का है, वो राजनीति कर रहे हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। एक ऐसा समाज जो कि अहिंसा के मार्ग पे चलता है और बड़े शांत स्वभाव के साथ जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में भी और देश की ग्रोथ में भी जो है अपना योगदान देता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं आपको लगता कि राजनीतिक तौर पे भी अगर हम आगे आए तो एक बहुत अच्छा योगदान ये समाज दे सकता है? देखिए, जो जीटो जो जेआईटीएफ के मार्फत काम कर रहे हैं, जीटो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग फाउंडेशन, उसमें हम लोग आईएएस के बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं। आज अभी तक जो पिछले 10 साल के अंदर हम लोग काफ़ी संख्या के अंदर आईएएस, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी हमारे लोग आए हैं, और हम लोग है ना वैल्यूज़ के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, अच्छे संस्कारों पर फोकस करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो आज जो एक नई लीडरशिप आ रही है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, वो भी वैल्यू बेस्ड लीडरशिप आएगी, जिसका अभी निर्माण जो है बचपन से होता है, वो वैल्यू बेस्ड लीडरशिप आएगी तो देश का डायरेक्शन भी उसी तरह से जाएगा। अपने तौर पर आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप राजनीतिक मंच से या राजनीतिक लोगों से किस तरह की मांग करते हैं कि क्या हमें योगदान चाहिए उसके अंदर जैन समाज को, ताकि और ज्यादा बेहतर तरीके से आप समाज के लिए काम कर सके? देखिए, हमारी एक परिकल्पना चल रही है जीटो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बहुत जल्दी एक हमारा कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है, वो भी हम दिल्ली के अंदर कर रहे हैं, ताकि क्या है कि हम सरकार को ये बता सकें कि आज समाज को क्या ज़रूरत है, देश को क्या ज़रूरत है। आज जो एक सब लोग सपना देख रहे हैं कि भी हम लोगों को डेवलप्ड इकोनॉमी देखना है अपने आप को, तो हम भी चाहते हैं कि हम उसमें योगदान गवर्नमेंट के साथ एडवोकेसी करके क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट तो हमसे सलाह मांगती है, ब्यूरोक्रेसी हमसे सलाह मांगती है, व्यापारी वर्ग से सलाह मांगती है, तो क्या करना चाहिए ताकि देश आगे बढ़ सके, तो हम उसके हिसाब से अपना ब्यूरोक्रेसी के मार्फत जो मंत्रिमंडल मंत्री है, मंत्री वर्ग है, उनके साथ अपना एक जो एडवोकेसी करने की कोशिश करते हैं।